लो जी, ऐसी एल जी दी सॉरी, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि बिकॉज़ हिंदी के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। सो टुडे वी गॉट दिस एल जी मशीन। दिस इज़ अ न्यू वर्जन, दिस इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्ट्रीम एंड वी हैव एल जी इंजीनियर विद अस। हाय, हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? प्रतीक नागर, या प्रतीक नागर इज़ विद अस एंड कैन यू ही इज़ फ्रॉम, ही इज़ अ एक्सपर्ट ऑफ एल जी। टुडे ही इज़ गोइंग टू इंस्टॉल डिश वॉशर। ओके प्रतीक, यू कैन कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम ओपन? ओके, यू यू कैन गो विद हिंदी बिकॉज वी हैव मैनी यूजर विद हिंदी। ओके फाइन सर, हाँ आप यहाँ से इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं ऑल डिश राइट, वॉशर को, ठीक है। एंड ओपन करके ये अपने इसमें बास्केट्स दी गई है जो कि आप स्लाइडेबल्स हैं, एंड नीचे वाली भी आपकी स्लाइडेबल्स हैं, ग्रेट। एंड इसमें जो कि आपके यूटेंसिल्स हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। एंड इसको आप फोल्ड करके मैक्सिमम इसको नीचे बिठा के बिग यूटेंसिल्स रख सकते मतलब हैं। ये एलजी में ही आ रहा है ये वाला ये फीचर? सिर्फ ओनली फॉर एलजी, और आपने बताया था कि आप एलजी में बैक साइड में क्या सारा स्टील में आ रहा है? वो जो आप देख रहे हो बैक साइड में सारा जो है आर्म्स का जो दिया हुआ है वाटर का, वो आपको प्लास्टिक का आता था बट अब कंपनी ने इसको चेंजेस किया है स्टील में। वेरी नाइस, ओके, एंड सब में आप देखोगे कि टू आर्म्स आते थे, राइट अब इसमें ये फोर आर्म्स आते हैं जिसमें स्टीम वॉशिंग्स के लिए आता है, राइट। तो ये जो कि ऑटोमेटिकली सब ये वेव्स करता है, मूवमेंट करता है, ओके तो इस हिसाब से वो वॉशिंग करने के लिए ओके, ताकि यूटेंसिल्स अच्छी तरह से क्लीन हो सके। नाइस 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 नाइस। तो एंड अभी हम लोग सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। जी सॉल्ट डालेंगे, और इसके लिए सबसे पहले लेके ढक्कन ओपन करेंगे, सॉल्ट का सिंबल्स बना हुआ है एस टाइप में, ठीक ओके है जी। अब ठीक आप है, सॉल्ट डालने के लिए सबसे पहले फनल्स है हमारे पास, ठीक है, फनल्स के साथ हम इसमें ओके डालेंगे, और उसमें सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे ठीक है, मैक्सिमम 1 लीटर ठीक है, तक का हम पानी इसके अंदर डालेंगे। नाइस, एंड उसके बाद हमारे पास फॉर्च्यून्स कंपनी का सॉल्ट है ओके ओके। जो कि हम इसमें भी डालेंगे, ये ये एलजी बनाती कंपनी है सॉल्ट? जी ये एलजी ने व्हाट फर्स्ट टाइम डेमो टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट देती है जो ठीक है कि हम इसमें डालेंगे, ठीक है, और इसको फनल के थ्रू इसमें इसको पूरा हम फिल करेंगे। ओके, ये सॉल्ट जो हम लोग किचन में यूज करते हैं वो होता है या नहीं डिफरेंट नहीं होता सर, है? ये आयोडीन नमक नहीं होता है, ओके, ये बेसिकली वाटर को हार्डनेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे चंडीगढ़ में तो TDS 150 टीडीएस है, इतना है नहीं, हाँ यहाँ पे बट तो फिर सेफ भी है। हमें डिश वॉशर का लेवल देख के चलना ओके पड़ेगा कि ठीक इसका है, कोई भी आप टैंक वाला वाटर होता है या फिर हम नॉर्मली फ्रेश वाटर यूज करते हैं ओके तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्च्यून या सॉल्ट यूज करना ठीक पड़ेगा। है। ये अपना इसमें हम और 1 किलो सॉल्ट 1 kg सॉल्ट जो हमारा होगा वो इसमें जाएगा, जाएगा, ये 1 month निकाल देता ये है? 1 month डिपेंड ऑन वॉशिंग्स, वॉशिंग्स जी, ये मीन्स हमारे वन अंदर के जी में कितने नंबर ऑफ वॉशिंग कर सकते हैं? आप इसमें अगर 1 day में अगर आप वॉशिंग्स करते हैं तो 2 या 3 वॉशिंग्स इसमें नॉर्मली कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। उसके बाद हम आपको अब इसमें ये इसका फन जो सॉल्ट डालने वाला था उसको यहाँ से लॉक करके बंद कर देंगे, ठीक है। एंड सेकंड हमारे इसमें फिल्टर्स हैं ओके जो कि आप इसको खोल के क्लीन कर सकते हो। ओके, दिस इज द फिल्टर, ये आप देख रहे हैं, आप इसको अलग करके यहाँ से खोल के इसको क्लीन कर सकते हैं, एवरी मंथ ठीक या है, एवरी टाइम्स खोल के इसको क्लीन कर सकते ठीक हो, है, वापस इसको यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। बाकी ये फॉर्च्यून का सॉल्ट है जो कि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं उसके अंदर, एंड सेकंड ये रिंसेड है जो कि हम 60 ml इसके अंदर डालेंगे। 60 ml, जी ये 60 ml 1 month के लिए होता है? नहीं सर, डिपेंड ऑन वॉशिंग के ऊपर, ठीक है, कि कितना हम वॉशिंग कर रहे हैं। और रिफिल कब तो करना है? रिफिल आपको वहाँ पर अलॉट आ जाएगा, सिंबल्स में आ ठीक है, जाएगा कि आपको वहाँ करना है, ठीक है। सॉल्ट रिंसेड डालने के लिए हमें मतलब ये मैंडेटरी लिक्विड है। अगर आप ये 3 किट स्टार्ट यूज कर रहे हो तो आपको ये मैंडेटरी है,
एंड एक इसमें टैबलेट्स भी आती है जो कि फिनिश कंपनी की आती है, अगर वो भी आप यूज करते फिर उसमें जरूरत नहीं आती है। बट सॉल्ट जरूरी होता है, सिर्फ टैबलेट डाल दो तो टैबलेट जितनी जो ये डेंसल्स आपने इसमें डाले हुए हैं वहाँ हम टैबलेट यहाँ रख देंगे, ठीक है। और सेकेंड इसका ओपन करके अपना इस साइड पे डालेंगे, अरे साइड सब कोई हो है नहीं, फनल यूजेस होता है फॉर साल्ट के लिए, वो ये पड़ा है जी इसके लिए नहीं यूज करने के लिए, इसके लिए नहीं होगा, ये हमने सीधा यहाँ पर डाला। हाँ ठीक है। और सॉल्ट का भी अपडेट आता है अगर जी, सॉल्ट का भी अलर्ट आएगा इसका भी, रिनसेट एंड सॉल्ट का दोनों का अपडेट आपको, दिस इज रिनसेट जी, रिनसेट्स का। तो ये रिनसेट हमने यहाँ पर डाल दिया, ये जो हम अभी फर्स्ट फिल कर रहे हैं ये अप्रॉक्सिमेटली कितने वॉशेस दे देगा? ये मैम डिपेंड करता है कि अपनी वॉशिंग, जैसे मान लो विद इन वन डे में वन वॉशिंग्स कर, लेट्स से नंबर ऑफ वॉशेस 50 दे देगा, 50 हां जी 50 दे देगा, 50 वॉशिंग्स कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम वन मंथ में ये बॉटल जरूर आती है, क्लीन हो जाती है, ठीक है। डिटर्जेंट आएगा मैम, ये आपने डिपेंड ऑन जितना आपको यूजेस करना है, यहाँ पर लेबल्स दिए हुए हैं 25 grams, 15 grams एंड 10 grams, जो जितने आपके यूटेंसिल्स हैं, आपके अगर कम यूटेंसिल्स हैं तो आप 10 grams भी यूज़ कर सकते हो, या लो सॉइली है तो 10 grams यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 15 and 25 grams, मैक्सिमम ज़्यादा सॉइल लेवल्स हैं तो आप 25 grams यूज़ कर सकते हो, वो तब आपको डालना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ ओनली जस्ट आपने जैसे वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, ये आपको कितना रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है। एंड बास्केट्स आ जाएगी आपको यहाँ पर, अगर बॉल चाइन प्लेट्स वगैरह होती हैं वो आप इसमें लगाते हैं, क्रॉकरी वगैरह की, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपकी प्लेट्स आ जाएंगी और ये इस हिसाब से आपको इसमें आएगी, एंड अदर अगर आपका कुकर्स वगैरह हैं तो आप इसको फोल्ड कर देंगे, ये फोल्ड करके आप इसमें बड़े वाले बर्तन रख सकते हैं, और अगर आपको ये भी ज़्यादा बड़ा बर्तन करना है तो आप इसको मैक्सिमम इसमें आएंगे, जैसे दो पतीले कुकर्स कढ़ाई वगैरह वो हम सब यहाँ पर रख सकते हैं। और ये सेकेंड रैक्स आ जाएगा, तो इसमें आपको ये स्पून के लिए दिया है कि आपने स्पून रखने हैं तो उसके लिए, और ये छोटी प्लेट्स के लिए आ जाएगा एंड उसे बिग साइज में रॉड्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पर आपके ग्लासेस आ जाएंगे, ठीक है जी, बाउल्स वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बिग आपके वो पर्चीज वगैरह जो आप रखेंगे वो यहाँ पर रख जाएंगे, बाकी इसको बिग साइज में करना है स्मॉल साइज में करना है यहाँ पर प्रेस करके आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये फीचर बाकियों में भी आता है या फीचर्स सबसे अलग हैं? जी ये है नहीं किसी में भी, नहीं किसी भी फीचर्स में आपको नहीं मिलेगा, एंड आई थिंक वो जो रोलर वो रबर नहीं है वो भी किसी में नहीं है, नहीं वो भी नहीं है, हाँ ये सारी चीज, ये ड्यूरेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। और सेकंड ये है कि दूसरे मॉडल्स में आप देखोगे ये इसमें बहुत ज्यादा पतले वाला होता है और ये इसमें डबल स्प्रेस दी हुई है, नीचे भी इस पे ना उस सेम वही सिस्टम से उसमें है, नहीं नहीं उस पैनल के नीचे भी है जो आपने ऊपर स्प्रे लगाया, हां जी हां जी, उसके नीचे की तरफ, हां उसके नीचे की तरफ भी है जी, तो हम क्योंकि उसमें डबल स्प्रे और जेट स्प्रे यूज होता है तो उसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके नॉर्मली पावर ऑन करने से प्रोग्राम्स आएंगे ऑटो इंटेंसिव जो कि स्टीम साइकिल्स में होंगे, इंटेंसिव डेलिकेट रिफ्रेश एंड इको अगेन टर्बो, ठीक है। अगर आप ऑटो में चलाते हैं तो ऑटो में आपके जो कि
खुद सेंस करेगा, सॉइल लेवल डिपेंड चेक करेगा कि कितना है, उस हिसाब से वो टाइमिंग सेट करेगा। एंड इंटेंसिव्स आ जाएंगे, अगर आपके ज़्यादा चिकनाहट्स वाले हैं, ऑयली है यूटेंसिल्स, तो आप इंटेंसिव में वॉश कर सकते हैं। डेलिकेट आ जाएगा, अगर आपकी क्रॉकरीज हैं तो आप डेलिकेट में यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश, अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं तो अपोर्ट में से यूटेंसिल्स एंड आपने निकाले हैं, उनको जस्ट फॉर क्लीनिंग्स करनी है तो उसके लिए आप रिफ्रेश कर सकते हैं, उसमें आपको डिटर्जेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड इको मोड आ जाएगा, इको मोड में ये है कि आपके यूटेंसिल्स कम गंदे हैं, ज़्यादा उसमें वो नहीं है, तो वो अपना इको मोड पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 hours की साइकिल, 3 hours का साइकिल, 3 hours 15 minutes का साइकिल। वाटर कितना? वाटर ना ज़्यादा नहीं, इसमें अपना 20 liters तक हो जाता है। टर्बो बोर्ड आएगा, ये आप डेली यूज़ कर सकते हो, जो कि बेसिकली यूजेज है 1 hour 40 minutes का साइकिल। इससे भी शॉर्ट साइकिल्स आप चाहते हो तो इसमें एक्स्ट्रा ड्राई ऑप्शंस ऑन होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ड्राई ऑन करते हो तो वो 1 hour 40 minute साइकिल बनता है, अगर आप इसको हटा देते हो तो ये आपका बन जाएगा 59 minute साइकिल। मतलब कि अगर जैसे हम रात को चलाते हैं तो हमें ड्राई की जरूरत नहीं है, ड्राई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर 59 minutes में, बट आप एक्स्ट्रा ड्राई चला लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, कई बार अब जैसे मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो उस वजह से वो स्टीम साइकिल्स क्लीन मतलब ये बहुत कम बर्तन है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी शॉर्ट साइकिल चाहिए तो ये टर्बो का बटन है, वो आप प्रेस फॉर 3 seconds एंड शॉर्ट साइकिल्स, आप जस्ट करोगे इसको तो यहाँ पर 38 minute का साइकिल्स हो जाता है। एक्सप्रेस लिखा है उसमें जो कि टर्बो के नीचे, वो आप 38 minutes का कर सकते हो, इससे भी शॉर्ट साइकिल है जो कि आप कम टाइम में यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज आप उसको मोड पे वापस लेके आएंगे ऑफ एंड ऑन द टर्बो। ड्यूजोन चाहिए, अगर आपको डबल प्रेशर में वॉशेस करना है तो ड्यूजोन ऑन कर दीजिए, तो इसमें डबल प्रेशर्स पड़ेगा यूटेंसिल्स के ऊपर, ताकि नीचे वाले यूटेंसिल्स एंड ऊपर वाले यूटेंसिल्स उनको क्लीनिंग प्रॉपर हो जाएगी। और हाफ लॉट्स, अगर आपको लगता है कि हमारे यूजेस में यूटेंसिल्स ऊपर वाले ज़्यादा हैं एंड ज़्यादा सॉइली भी हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो हाफ लॉट पे आप डिपेंड कर दीजिए अगर ऊपर वाले ज़्यादा ज़्यादा हैं। अदरवाइज आप नीचे रखना चाहते हो तो नीचे वाले पे कर दोगे तो एरो नीचे की तरफ बना हुआ है। अच्छा, उसमें दो एरो? हाँ जी, ये दो एरो है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो आपको वो नीचे वाले यूटेंसिल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। एंड एनर्जी सेवर, जो कि आपका इको मोड पे यूज़ होगा, आप एनर्जी सेव करोगे तो एनर्जी सेव में 3 hours 38 minute का साइकिल हो जाएगा, बट इसमें ये है कि वाटर टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड वाटर प्रेशर भी जो है वो कम हो जाएगा इसमें, तो उसके हिसाब से वो एनर्जी सेविंग्स करेगा, ताकि आपका जो वाटर हीटर था वो लो टेम्परेचर से वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। एंड स्टीम साइकिल्स आप ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंटेंसिव ऑन करोगे, या इनकेस आपको टर्बो ऑन करना है तो आप स्टीम साइकिल क्लिक करके ऑन कर सकते हो, जिसमें कि साइकिल्स हो जाएगा 2 hours का, तो आपको टर्बो में भी आपको 2 hours साइकिल्स मिल जाएगा विद स्टीम जी। एंड हाई टेम्परेचर्स चाहिए तो आप क्लिक कर दीजिए तो एंड थोड़ा सा टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगा 2 hours 2 minutes का। ये वाले जो फीचर है सिर्फ टर्बो पे यूज होते हैं जी? नहीं, जरूरी नहीं है, आप किसी भी फीचर्स पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ जो एनर्जी सेवर है वो आपका इको मोड पे यूज होगा, अदरवाइज वो आपका किसी और भी साइकिल्स पे नहीं होगा। एंड एक्स्ट्रा ड्राइव आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप रखना चाहते हो, बट हम कहेंगे कि आप रख लीजिए, बेस्ट है। डिले स्टार्ट, अगर आप डिले स्टार्ट करना चाहते हो कि आपको अंदर बैठे ही इसको चलाना है या यूजेस करना है या टाइमिंग देखनी है, बट अभी सिस्टम इससे नहीं चला है, जिसमें कि स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो आपको इसमें एप्लीकेशन में आपके फ़ोन पे डिस्प्ले में आ जाएगा कि आपकी वर्किंग कितना टाइमिंग रहता है, एंड हो गया है, वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो वो आपके साथ इसमें चल जाएगा। अगर 3-4 seconds हम करेंगे तो ये वाईफाई का अटैच आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंबल्स एस जो लिखा है सॉल्ट का, यहाँ पर ये लाइट्स ऑन ब्लिंक कर रही है, ठीक है ना, तो लाइट एस के टर्न ब्लिंक कर रही है, तो इटका मीन्स हमें सॉल्ट अभी मूवमेंट करना है, हम डाल चुके हैं बट एक स्पून से लेकर हम इसको मूवमेंट करेंगे तो वो हट जाएगा। एंड रिन सेट का लाइट्स ऑफ हो चुकी है,
तो अब वो अपने आप ऑफ हो जाएगी। हाँ जी हाँ हाँ, ये भी अभी कर देंगे तो हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, ये प्ले करेंगे यहाँ से। बाकी अभी आपको मैं इंटेंसिव प्रोग्राम है जो कि आप प्रेस फॉर 3 सेकंड्स करेंगे मशीन क्लीनिंग के लिए, तो उसके लिए आप 3 सेकंड्स आप उसको दबाओगे तो 1 hour 23 minutes आएगा। उसके बाद देन प्ले कर दीजिए, तो जो कि आप इसमें विनेगर डाल के इसे क्लीनिंग कर सकते हैं, जो कि आपने बाउल्स में यहाँ पर रखना है बाउल्स में, और विनेगर रख के एंड बंद कर देना। नहीं डिटर्जेंट नहीं डालना है आपने, सिर्फ इसमें विनेगर ही डालना है और बाउल में रख के विनेगर रख देना और आपने इसको जस्ट चला देना, फिर उससे सारी इसकी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। 1 hour and 23 minutes लगेगा इसमें। ठीक है, अभी आपने क्लीनिंग्स पे लगा दी एक फर्स्ट टाइम। आप जो उसमें यूटेंसिल्स यूज नहीं करोगे वो है कॉपर्स, पीतल्स, ठीक है, नॉन स्टिकीज, वो यूटेंसिल्स आप यूज नहीं कर सकते। एंड उसके बाद एल्युमिनियम भी नहीं आप करोगे। बाकी इसमें आप स्टील के बर्तन, बोरोसिल ग्लासेस एंड बॉल चाइनास, वो आप सारे इसमें यूज कर सकते हैं। वुडन जो स्पैचुला, प्लास्टिक भी वो यूज करिए जिसमें कि आपको माइक्रोवेव सेफ होते हैं। उसमें वैसे दिया होता है उन्होंने बैक साइड्स पे कि आप यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो वो आप उसमें जोड़ते हैं। इन्वर्टर का मतलब क्या है इसमें? 10 ईयर वारंटी, 10 ईयर मोटर वारंटी है जो कि आपकी वोल्टेज कंजप्शन कम देते हैं और मोटर कम बिजली के साथ आपका इसमें यूज होता है। ठीक है, बाकी डिश वॉशर इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि चंडीगढ़ से प्रतीक नागर बात कर रहे हैं, जो इंस्टॉलेशन के लिए आए, इंस्टॉल कर लिया है या इनको डिश वॉशर्स के लिए एंड इनको जानकारी दी इसके बारे में। थैंक यू प्रतीक जी, आज आपने टाइम दिया हमारे को, थैंक यू वेरी मच। बाकी इनकेस आपको दिक्कत आए तो आप कंपनी में कॉल करके। ठीक है, थैंक यू प्रतीक।